खैबर पख्तूनख्वा की पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी शुरू है और तमाम लोग अपने अपने गाँव में मौजूद है और पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। सूबाई वजीरी बल्दियात इनायतुल्लाह खान भी इस वक्त अपने गांव बरवल में मौजूद है और उसने भी एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। इस वीडियो में वो क्या कह रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त के फिली की इस वक्त मैं अपने गांव में खड़ा हूँ और ये बरवल का इलाका है। कल से यहाँ बर्फबारी शुरू है। इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है। मैदानी इलाकों में पहाड़ों पर तो पहले से बर्फ मौजूद है, लेकिन मैदानी इलाकों में पहले बार बर्फ शुरू हो गई है। बर्फ पड़ने की वजह से ये पूरी वादी ब्लॉक हो जाती है। बर्फ पड़ने पर मैं खुशी का इजहार करता हूँ, क्योंकि इससे पानी में इजाफा हो जाएगा और मुझ और जो माहौलियाती तब्दीली आ जाती है इससे ये इलाका बच जाएगी। और इसके साथ साथ ये वादी बर्फ की वजह से ब्लॉक है, तो मैं लोकल गवर्नमेंट CNW और PKH को इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आज से सड़कों की सफाई का काम शुरू करें, ताकि लोगों के जो मसाइल है बर्फ की वजह से वो आसान हो जाए। बिल्कुल जी सर, आपने सूबाई वजीर इनायतुल्लाह खान साहब की बात ही सुनी, वो कह रहा है कि ये पहली बर्फबारी है, पहाड़ों पर तो पहले से बर्फ मौजूद है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे पहली बार बर्फबारी जो है उसका सिलसिला शुरू है। मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और बहुत सर्दी का में इजाफा भी हो गया है। मैदानी इलाकों में बर्फबारी का जो सिलसिला है 2 दिन से शुरू है। उसने मजीद ये कहा कि पानी का जो मसला है, ये पैदा होने का जो खदशा था वो भी इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। एक और वीडियो भी वजीर बल्दियात साहब का बहुत वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर, हम आपको वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज रात 9 बजे अपने घर के करीब खड़ा हूँ और इस सीज़न की सबसे पहली बर्फबारी यहाँ हो रही है। बर्फ़ देखी जा रही है, बर्फ़ पड़ रही है और एक खूबसूरत समा है। अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ का सीज़न और पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमना और स्नोफॉल का सीज़न, ये हमारे इस इलाके के लिए भी अहम है और पूरी पाकिस्तान के लिए अहम है, क्योंकि इसके वजह से ज़मीन के अंदर जो चश्मे खुश्क होते हैं, पानी की किल्लत आती है, वो ख़त्म होती हैं और जो हमारी डाउन डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हमारे एरियाज़ हैं, हमारे रिवर्स हैं, उनके अंदर पानी आ जाता है, पानी स्टोर हो जाता है। लेकिन इस इंसानी ज़रूरत के साथ साथ इसकी अपनी ब्यूटी और ख़ूबसूरती भी है। और आज आप देख रहे हैं इस तरह से ये पड़ रही हैं, इसमें हम खड़े हैं। अगले 2 रोज़ तक फोरकास्ट से हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह ताला इस सीज़न की बर्फबारी के नतीजे में जो पानी की मुश्किल है, पानी की किल्लत है, ये मसला हल हो जाएगा और हमारे इलाके की ब्यूटी